अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मेरे पास 1.5 किलो चिकन है और ये मिर्च मसाले मेरे पास 3 चम्मच मेरे पास पिसा हुआ धनिया है और 3 चम्मच पिसी हुई मिर्च है, नमक हसबे जायका है और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, 1 लंबर वो अदरक 1 चम्मच है मेरे पास और ये मेरे पास 100 ग्राम दही है और ये अचार वो निहारी का शाशा है। तभी मैंने प्याज डाली है इसमें मैंने 250 ग्राम घी डाला है और बरमियानी साइज़ की ना 1-2 छोटे प्याज डाली है मैंने। प्याज को फ्राई कर रही हूँ, इसके अंदर मैंने डाल दिया ये मिर्च मसाले डाल दिए इसके अंदर। ये मसाला भी डाल दिए, पूरा मसाला इसके अंदर मैंने डाल दिया, घर का ये मसाला बनाया है और अब इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें और पानी डालूँगी ज़्यादा, प्याज जो है वो नरम हो जाएगी। अच्छी तरह से भून गया है, अब इसमें चिकन डाल लेंगे मैं। चिकन डाल के इसको भुनाई करूंगी अच्छी तरह से। ये चिकन को अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिए और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही। निहारी का शाशा इसमें डाल देंगे मैं। ये गोश्त का एक अपना जायका होता है, जो गोश्त में पका उसका जायका अलग ही होता है। अब ये चिकन की निहारी बना रहे थे इसमें तो जायका लाना पड़ता है और इस तरह मेरे तरीके से बना है और ये बहुत मज़े की निहारी बनती है इस तरह से। अब इसके अंदर मैंने दही भी डाल दी, मसाला भी डाल दिया निहारी का, ये गोश्त भी मैं ये भुन गया। अब इसका जो तार है ना ये अलग से मैं निकाल दूँगी और इसलिए कि जब इसमें मैं आटा या बेसन जो भी लगाना चाहे वो लगा ले, मैं तो इसमें आटा लगाऊंगी तो जब ये पकता है ना तो तार जो है उसमें मिक्स हो जाता है। अब मैं इसमें से निकाल लूँगी, अब ये इसका तार जो है ये निकाल लेंगी मैं। नहारी पर रोगन नहीं हुए तो नहारी जो है देखने में भी अच्छी नहीं लगती, इस तरह से इसका ये सारा ही निकाल लूँगी। अभी ये इसमें 1 गिलास पानी का डाला है मैंने, अच्छा जब आटा घोला है ना तो ये इसमें रोड़ियाँ सी आ जाती हैं, गुठलियाँ आ जाती हैं आटे की, तो इसमें छन्नी के अंदर छान लो, जो गुठलियाँ हैं ना वो सब इसमें छन्नी में आ जाएंगी।
और एक कप मैंने आटे का लिया। ये चारों तरफ से जो पतीली है ना, इसको साफ कर देंगे। सालन बनाते वक्त हमेशा जो है चारों तरफ से पतीली को साफ करना चाहिए। और ये पतीली अगर सनी रहती है ना चारों तरफ से, तो जना फिर ये होता है कि ये फुआड़पना है। तो ये लड़कियों को मैं सिखा रही हूँ टिप्स कि ये हमेशा जो है ना खाना पकाते हुए पतीली को साफ रखें। गरम मसाला डाल देंगे पिसा हुआ, और गरम मसाले में पूरी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। डेढ़ चम्मच डाला है मैंने। और इसमें पानी डाल देंगे मैं, और जब ये और पकेगा अब इसको हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी। ये नहारी देखिए पक्के तैयार हो गई है, और अब इसमें मैं डाल लूंगी तार। ये मैंने तार डाल दिया, चाहे तो अलग से रख लें प्याली में, ये जो खाए तो उसको डाल के दे दूँ, मगर मैंने इसमें डाल दिया ये तार। ये मैंने बारीक बारीक अदरक जो है ना, इसको बारीक बारीक अदरक को मैंने काट लिए, हरी मिर्चें काटी है इसी तरह से मैंने बारीक लिए, और हरा धनिया है साथ में, नींबू है। तो अब ये मेरे तरीके से आप नहारी बनाएं इसी तरह से, और ये बहुत मज़े की बनती है चिकन की नहारी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि नहारी आपको कैसी लगी। तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं कि ये चिकन नहारी आपको कैसी लगी है। शुक्रिया।